वेलकम टू डॉक्टर कंप्यूटर टेक। डॉक्टर कंप्यूटर टेक में आप सभी का स्वागत है। सो आज मेरे पास एक नोकिया का फोन है, ये देखिए एक नोकिया का कीपैड फोन। यहाँ पे कुछ कुछ नंबर पे कॉल आता है तो रिंगटोन बज रहा है और कुछ कुछ नंबर पे रिंगटोन नहीं बज रहा है। तो आपका भी फोन में ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो आप ठीक कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देख के। सो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। सो इसका प्रॉब्लम पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉल करता हूँ अभी इस नंबर पे। सो देखिए इस नंबर पे कॉल किया हूँ, अभी कॉल आएगा। सो देखिए यहाँ पे एक कटा सिंबल दिख रहा है और यहाँ पे जो रिंगटोन है वो भी नहीं बज रहा है। सो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। सो अभी एक दूसरा फोन से फोन लगाता हूँ, एक दूसरा नंबर से या फिर दूसरा मोबाइल से कॉल लगा के देखते हैं। यहाँ पे रिंगटोन बज रहा है, देखिए एक नंबर पे कॉल आ रहा है तो रिंगटोन बज रहा है और एक नंबर से कॉल करता हूँ तो रिंगटोन नहीं बज रहा है। सो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, सो ठीक करना है। सो इस फोन में जो सेटिंग होता है यहाँ पे चले जाना है, जहाँ पे इस फोन का सेटिंग है वहाँ पे चले जाना है, ये वाला सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे कॉल सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे देखिए कॉल सेटिंग, यहाँ पे नीचे चला जाना है। कॉल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए नो स्क्रीनिंग लिखा हुआ है, नो स्क्रीनिंग, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जिस नंबर से ऐसा प्रॉब्लम आता है उस नंबर को यहाँ से डिलीट कर देना है, यहाँ से ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिलीट आएगा, यहाँ से डिलीट ओके कर देना है। सो देखिए अभी इस नंबर से भी कॉल करूँगा सो आप रिंगटोन बजने लग जाएगा। देखिए इस फोन से कॉल नहीं आ रहा था, मतलब साउंड नहीं आ रहा था। सो अभी देखिए, देखिए ऐसे करके आप ऐसा प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं किसी भी नोकिया फोन में। सो वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह टेक्निकल वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय।